हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी रहेगा दोस्तों। बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो दोस्तों बारिश का सीजन आ रही है, तो हर किसी को ब्रेड पकौड़ा और प्याज की भजिया और भाजी बड़ा खाने का इच्छा करता है। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। तो दोस्तों एक कटोरी हमने बेसन लिया है, इसमें डालेंगे लाल तीखी वाली मिर्च, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और हम पानी डालकर दोस्तों इसका घोल बना लेंगे। दोस्तों हम एक बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बनाएंगे। एक साथ डाल देंगे पानी तो पतला हो जाएगा हमारा घोल। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी हमने डालकर इसका घोल बना लिए हैं। तो दोस्तों अच्छी तरह से हम घोटेंगे इसको, बेसन को, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रह जाए बिल्कुल। तो दोस्तों हमने घोट लिया बेसन को, और आलू को हमने पहले से उबाल कर छील कर मसल लिए थे। तो अब हम बनाएंगे मसाला ब्रेड पकौड़ा के लिए। तो थोड़ा सा हमने सरसों डाला, जीरा डाला, इसको चटक जाने देंगे। फिर थोड़ा सा हल्दी, तीखी वाली मिर्च, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम जो आलू मसल कर रखे थे उसको डाल देंगे और भून लेंगे सारी चीज़ों के साथ। तो आप चाहें तो दोस्तों इसमें प्याज डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो, हरी मिर्च डाल सकते हो, और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। अब हम मसल लेंगे जो थोड़ा बहुत रहा होगा आलू का टुकड़ा, तो अच्छी तरह से इसको मसल लेते हैं हम भूनते हुए, ताकि मसल भी जाएगा और आलू हमारा भी भून जाएगा। तब तो इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच अमचूर पाउडर। तो दोस्तों अमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, ब्रेड पकौड़े में अच्छा लगता है खट्टा खट्टा सन। तो हमने भून लिया है आलू को अच्छी तरह से चलाते हुए, मसलते हुए। तो अब हम इकट्ठा करके निकाल लेते हैं आलू को। तो दोस्तों इसी कढ़ाई में हम बनाएंगे, तलेंगे ब्रेड पकौड़ा को। तो हमने ब्रेड लिया है। अब दोस्तों हम ब्रेड जितने पकौड़े बनाने होंगे उतना ब्रेड हम लेंगे। तो ब्रेड के ऊपर हम ये पहले आलू का मसाला लगाएंगे। दोस्तों आलू का मसाला आप जितना मोटा पतला लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अगर आलू कम खाते हो तो कम लगाइएगा, और ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा लगाइएगा। आलू का मसाला रहता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है ब्रेड पकौड़ा। तो ऊपर से बंद कर देंगे एक ब्रेड से। अब इसको दोस्तों हम 20 से कट कर लेंगे, तो ये 2 पीस हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमने कट कर लिया है। अब हम दूसरा बनाएंगे इसी तरह। तो दोस्तों हम उसको नहीं काटेंगे, 2 ब्रेड लिए हैं, इसके ऊपर मसाला लगाएंगे। मसाला लगाने के बाद हम इसको ब्रेड से बंद कर देंगे। दोस्तों ब्रेड पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, आलू भर के बनाइए, बिना आलू भर कर बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आलू भरना। तो अब बेसन में हम डिप करेंगे और इसको हम गरम तेल में फ्राई करेंगे। मीडियम आँच रखेंगे दोस्तों, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखेंगे, नहीं अंदर तक हमारा ब्रेड पकौड़ा नहीं सिकेगा, ऊपर ऊपर सेक जाएगा बस। तो हमने एक पीस डाल दिया है काट कर। अब हम ये सही वाला डालेंगे जो हमने नहीं काटा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप काट कर बनाइएगा तो ज़्यादा आसानी रहती है तलने में, नहीं तो फिर एक वैसे दिक्कत नहीं होती, बट एक बार में एक ही तलेगा। तो हमने अलट पलट कर इसको तल लेंगे अच्छी तरह से। काट कर तलिएगा तो बहुत आसानी से तल जाता है, सिक जाता है। तो दोस्तों हमारा ब्रेड पकौड़ा सेक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं दोनों ब्रेड को। तो इसी तरह दोस्तों हम सारे ब्रेड पकौड़े बना लेंगे। ये भी इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी सेक चुका है अच्छी तरह से अंदर तक। हमने धीमी आंच पर सेके थे तो दोस्तों अंदर तक सेक गया है। तो हम दोबारा से अब सेकेंगे ब्रेड पकौड़ा को, तलेंगे। तो दोस्तों ये दोबारा हमने सेक लिया है, तल लिया है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों ये सही वाला जो हमने काटा नहीं था, अब इसको काट कर दिखाएंगे। देखिए तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो बिना काटे ब्रेड पकौड़ा। तो दोस्तों ये हमारा टमाटो सॉस के साथ ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है, जो खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगता है।
और दोस्ती बहुत कम सामग्री बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है बहुत आसानी से। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ब्रेड पकौड़ा। और मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।